हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। इसके लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। चलिए देखते हैं हम इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है, 4 ग्रीन चिली ली है। आप चाहे तो इसे कम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ काजू लिया है, 4 गार्लिक लिया है और दो थोड़ा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे अदरक का लिया है। इन सबको मैं ग्राइंडर में डाल देती हूँ। देखिए, मैंने डाल दिया है ग्राइंडर में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 चम्मच के करीब कश्मीरी रेड मिर्च। कश्मीरी रेड मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आता है। कश्मीरी रेड मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब, और हम इसे अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं इसका। चलिए पेस्ट बना लेते हैं। देखिए ना, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। मैंने एक प्लेट में एक प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके ले लिए हैं। मैं इसे बटर में बनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ 2 से 2.5 चम्मच के करीब बटर लिया है। एक छोटी कटोरी में मैंने कस्तूरी मेथी ली है और एक अमूल क्रीम लिया है मैंने। चलिए अब इस बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। हम इसमें जो बटर मैंने लिया था, अब हम इसमें डाल देते हैं। हमारा बटर देखिए मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। मैंने आंच को यहाँ धीमी आंच पे ही रखा है। अभी जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, हम उसे मीडियम आंच पे कर देंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और इसे हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। मैंने आज मीडियम हाई फ्लेम पर रखा है। अभी हम इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे अच्छी तरह। यह बहुत ही अच्छा कलर इसका आ जाता है। देखिए, लगभग ये अपना कलर इसमें आ गया है। थोड़ी देर और भूनेंगे इसको हम, थोड़ा सा और कलर चेंज होगा ये। अब हम इसमें जो पेस्ट हमने बना कर रखा था, वो इसमें अब हम डाल देते हैं। देखिए पेस्ट का कितना अच्छा कलर आया है पेस्ट का। हम इसे अच्छी तरह भूनना है हमें, ताकि इसमें जो भी मसाले पड़े हैं वो अच्छी तरह भून जाए। इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। जो मैं हमने कस्तूरी मेथी रखा था निकाल के, हम इसे डाल देते हैं। कस्तूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। कस्तूरी मेथी डाल के हमें इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है। देखिएगा, इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। देखिए कलर आ गया है। अब हम इसमें जो अमूल का फ्रेश क्रीम मैंने रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास घर का ताज़ा क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 2 चम्मच के करीब डाल दूँगी फ्रेश क्रीम और इसे अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे हम। देखिए अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेते हैं। कितना अच्छा कलर आया है ना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है ये रेसिपी। देखिए अभी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच के करीब। हमारी मसाला लगभग भून चुका है। थोड़ी देर हमें इसे और भूनना है। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देते हैं। देखिए इसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है हमें। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसका तेल भी देखिए तेल छोड़ने लगा है चारों तरफ से। अब हम इसमें अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डालिए। मैं इसे फुलके के साथ लूँगी, तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें नान, जीरा राइस किसी के साथ भी ले सकती हैं। अब मैं इसमें पनीर डाल दूँगी और पनीर डाल के मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पका लूँगी। अभी हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस मैं इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। चलिए इसे ढक लेते हैं। 2 मिनट बाद हम इसे देखते हैं
देखिए हमारा पनीर बटर पनीर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें एक स्पेशल तड़का देंगे। इसके लिए मैंने गैस पे 2 चम्मच बटर गर्म कर लिया है। इसमें मैं 1/2 चम्मच के करीब कश्मीरी रेड मिर्च डाल दूंगी और इसे हम तड़का दे देंगे। जो पनीर बटर मसाला हमने बनाया है इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, उसके ऊपर मैंने क्रीम से सर्व किया है और ये तड़का मैंने डाला है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये। इस तरह से आप बनाइए, ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली को ज़रूर खिलाइए और बताइए आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।